नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी और आप देख रहे हैं सर्वधर्म संगम टीवी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और उनके भोग में पेठा अर्पित किया जाता है। माँ को पीले फल, फूल, वस्त्र, मिठाई और मालपुआ सबसे प्रिय हैं। आइए आपको बताते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि, भोग, मंत्र और आरती। साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे माँ दुर्गा के चौथे रूप का नाम कुष्मांडा पड़ा। आइए आपको बताते हैं नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा विधि, मंत्र, भोग और अन्य काम की बातें। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा होती है। माँ कुष्मांडा अष्ट भुजाओं वाली देवी कहलाती हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने वाले साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा को लेकर ऐसी मान्यता है कि पढ़ने वाले छात्र यदि कुष्मांडा देवी की पूजा करें तो उनके बुद्धि विवेक में वृद्धि होती है। दुर्गा माता के चौथे रूप में माँ कुष्मांडा भक्तों को रोग, शोक, विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती हैं। देवी कुष्मांडा को लेकर भगवती पुराण में बताया गया है कि माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप की देवी ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था, इसलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माना जाता है जब सृष्टि के आरंभ से पहले चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, ऐसे में माँ ने अपनी हल्की सी हंसी से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। वे सूरज के घेरे में रहती हैं और उन्हीं के अंदर इतनी शक्ति है कि वे सूरज की तपिश को सह सकती हैं। माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही दिव्य और अलौकिक माना गया है। माँ कुष्मांडा शेर पर सवारी करते हुए प्रकट होती हैं। अष्टभुजाधारी माँ मस्तक पर रतन जड़ित मुकुट धारण किए हुए हैं, अत्यंत दिव्य रूप से सुशोभित है। माँ कुष्मांडा ने अपनी आठ भुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष, बाण और अक्षमाला धारण किया हुआ है। माँ का यह रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। माँ कुष्मांडा की पूजा में व्रत करने वाले लोगों को पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। माँ को पीला रंग सबसे अधिक प्रिय है। माँ की पूजा में पीले वस्त्र, पीले फल, पीली मिठाई और पीले फूल भी अर्पित करने चाहिए।